हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चटकारा चटपट पर। आज मैं बना रही हूँ चने दाल का तड़का। तो हम देखेंगे कि चने दाल का तड़का कम समय में और आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है। इस तड़के का स्वाद प्लेन पुलाव के साथ और भी दुगुना हो जाता है, लेकिन आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। प्लेन पुलाव की रेसिपी मैंने डाली हुई है, तो आप उसे ज़रूर विजिट करें। तो तड़का बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें लेना है चने की दाल। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चने की दाल ली है और इसे अब इस तरीके से पानी डाल के हमें 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धो लेना है। अगर तड़का को परफेक्ट बनाना है तो सारी चीज़ों का मेज़रमेंट जो है वो भी परफेक्ट लेना पड़ता है, और इसके लिए आप मेरे पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें तो आपका भी तड़का बहुत ही परफेक्ट बनेगा। चने की दाल को धो लेने के बाद इसे आधे घंटे कम से कम और अधिक से अधिक 2 घंटे के लिए पानी में भिगोने के लिए छोड़ देना है। मसालों के लिए यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज कट कर लिए हैं, 2 टमाटर कट कर लिए हैं, 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की कट कर ली है, हींग लिया है, जीरा और धनिया पाउडर है, नमक और हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा गर्म मसाला है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर है। अब छौंका लगाने के लिए हम लेंगे 1-2 तेज़पत्ते, थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी वाली इलायची, 2 छोटी इलायची, हरी मिर्च और ज़ीरा थोड़ा सा। यहाँ दाल हमारा फूल करके तैयार हो चुका है। अब एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे और यहाँ पर डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। आप यहाँ घी भी डाल सकते हैं। और अब सारे खड़े मसालों को इसमें हमें डाल देना है। यहाँ पे मैंने लौंग नहीं लिया है, आप चाहें तो 3-4 लौंग भी डाल सकते हैं। और जब ये अच्छी तरीके से तड़क जाए तब हम इसमें डालेंगे कट किया हुआ प्याज। इसे गलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, और जब हम प्याज डालेंगे तभी हम कटे हुए लहसुन को भी डालेंगे। और ये प्रोसेस जो है आप कुकर में भी कर सकते हैं। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डाला है मैंने, क्योंकि नमक डालने से प्याज जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब यहाँ हम 1 से 2 मिनट इसे ढक के पकाएंगे, जिससे कि ये और भी जल्दी गल के तैयार हो जाएगा। और फ्लेम को लो रखेंगे। ये लगभग कलर आ गया है प्याज का। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लिया था लहसुन का पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून लिया है अदरक का पेस्ट। अब इस पेस्ट को इसमें डालने के बाद इसे फिर से लगभग 1 मिनट के लिए चलाना है, जिससे कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो पक जाए। और अब डालना है सूखे मसाले। 1 टेबल स्पून डाला है यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डाला है जीरा का पाउडर। अब डालेंगे हल्दी। हल्दी यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, आप अकॉर्डिंग टू कलर भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे 1 टीस्पून डालना है ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून ही डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। और अब डालना है कट किया हुआ टमाटर। और अगर यहाँ पे मसाला थोड़ा ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी मिला करके हमें इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल रिलीज ना करने लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस तड़के के साथ आप पुलाव ज़रूर खाएं। पुलाव वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जा करके देख लें। उसे भी मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है सही माप के साथ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मसाले को ढक करके हम पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल रिलीज ना करने लगे। मसाला ऑलमोस्ट भून के तैयार हो चुका है। अब यहाँ फ्लेम को कम करके फूले हुए दाल को हम कढ़ाई में डाल देंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। अब दाल डालने के बाद फ्लेम को हम मीडियम हाई कर लेंगे और यहाँ डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इसे 2 से 3 मिनट हम मिलाते हुए मसाले को चलाएँगे। और यहाँ पर मैंने 1.5 कप डाला था दाल, तो यहाँ पर हम 1.5 कप दाल में 3 कप पानी डालेंगे, यानी जितना डाला था उतना ही उसके डबल पानी डालेंगे। अब अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है मैंने। और अब आप चाहें तो इसे ढक करके और लो फ्लेम करके कढ़ाई में ही बना सकते हैं, और या फिर अगर आपको जल्दी बनाना है दाल तो फिर इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लें, और 2 सीटी हाई फ्लेम पर और 2 सीटी लो फ्लेम पर लगाने के बाद कुकर के स्टीम को पूरी तरीके से निकलने दें। और जब स्टीम निकल जाए तब हम ढक्कन को खोल करके चेक करेंगे कि हमारा चने दाल का तड़का पका है या नहीं। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये चने दाल का तड़का, और आप घर में इसे ज़रूर बनाएं। और आपका तड़का कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह इसे दबा के चेक ज़रूर कर लें कि तड़का हमारा पका है या नहीं। अब इसे बघार लगाने के लिए इसमें घी गर्म करें, जीरा, लाल मिर्च और हींग की सहायता से इसे छौंक दें।
अब इसकी गार्निशिंग करेंगे हम धनिया पत्ता की सहायता से। और इसी तरह किसी भी रेसिपी को आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।